हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? इस ये फ्री फंड वाले बयान को लेकर संजय जी सवाल खड़े हुए थे, क्या गरीबों की ये तौहीन नहीं है? फिर मैंने थोड़ा सा सर्च किया, तब मैंने देखा कि बधाई तो देनी चाहिए, क्योंकि 80 करोड़ गरीबों पर 24 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किया सरकार ने। यह फ्री फंड में मान्यों को हिसाब से 5 साल में 62 करोड़ रुपए की रेल यात्रा मिलती है मुफ्त में, फ्री में। यह फ्री फंड में परिवार समेत बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा फ्री फंड में, वेतन के साथ साथ हर महीने 60,000 रुपए भत्ता मिलता है फ्री फंड में, फ्री फंड में। और फ्री फंड में 50,000 यूनिट बिजली मिलती है सालाना फ्री फंड में। बिजली लेते हैं फ्री फंड में, 40 लाख लीटर पानी फ्री मिलता है फ्री फंड में, टेलीफोन वाईफाई भी फ्री मिलता है, ऊपर से फर्स्ट क्लास की मेडिकल सुविधा भी फ्री फंड में। संजय जी जी, सर ये सब कुछ फ्री फंड में है जी सर। इस देश में 80 करोड़ लोगों को रोटी चावल अनाज दाल मोदी सरकार मुफ्त में दे रही है, ये उनके हिंदुस्तान में सोशियो इकोनॉमिक व्यवस्था है। संजय जी, अपार महंगाई के बावजूद भी हम 80 करोड़ लोगों के घर में मुफ्त में भोजन दे रहे हैं। संजय जी, संजय आप कौन सी महंगाई की बात कर रहे हैं? 140 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोगों का क्या शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि इन्हीं 80 करोड़ ने आपको फ्री फंड की योजना बनाने का सौभाग्य दिया है, आपको नहीं लगता? देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, शुक्रिया कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए वो नहीं, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार उसके ऊपर भी कटौती का राशन और शासन का नारा आपने दिया ना, सर, तो ये फ्री फंड, ये फ्री फंड इन्हीं ने नहीं वोट दिया आपको, ये फ्री फंड वालों ने। सरकार वीआईपी मूवमेंट पर भी तलवार चला चुकी है, आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। संजय जी, आखिर उसको चाय क्या तनख्वाह से पिला पाएंगे, उसको पानी कहाँ से पिलाएंगे, उसके लिए व्यवस्था कहाँ से होगी? तथ्यों को सामने रखकर भ्रम कौन पैदा कर रहा है? आप ही के सांसदों पर आरोप लगते हैं। अभी जैसे मैंने निशिकांत दुबे जी का एक बयान सुनाया आपको, अब एक बयान और सुनाता हूं मैं आपको, वो किसानों की मौत वाला। पिछले 8 साल में एक भी चर्चा अपोजिशन ने किसानों की आत्महत्या का किया है? यदि नहीं किया है इसका मतलब कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। हमने किसानों को इतनी ताकत दी है कि आज किसान लड़ाई कर रहा है, और किसान की क्या स्थिति है कि किसान जो है साल भर तक, आज किसान साल भर तक, वही मोदी जी की सरकार थी, वही पैसा था, इस तरह से हमने किसानों को मजबूत किया कि साल भर तक वो आंदोलन करता रहा, लेकिन कोई किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की, किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। संजय जी, आप ही के सांसद कह रहे हैं, तथ्यात्मक रूप से तथ्यों के आधार पर ये क्या सही जानकारी है? संजय, 26 जुलाई को महाराष्ट्र के कांग्रेस सांसद भालूबाई ने यह आपके सामने सरकार से पूछा कि किसानों की आत्महत्या को लेकर सवाल था, सरकार से पूछा कितनी आत्महत्या की किसानों ने, मौत के आंकड़े क्या हैं। मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं संजय जी, जो जवाब आया 2000 से 2018 के बीच पंजाब के किसानों की मौत का आंकड़ा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जब रखा और उन्होंने बताया कि 1805, अब ध्यान से सुनेगा, 1805 यानी कि 1805 पंजाब के किसानों ने आत्महत्या की थी, ये आंकड़ा ये आप ही का है, मेरा नहीं है सर ये। और ये कब से कब तक का है सर? ये 2000 से 2018 के बीच का, 18 वर्षों में 1805 जी। ये भी दुखद बात है, ये भी दुखद है, ये भी नहीं होना चाहिए, और हम तो कहेंगे कि ये आंकड़ा सुनने पर जाए तो ज्यादा अच्छा सही है। देखिए जब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये सिर्फ एक राज्य का आंकड़ा है सर, ये सिर्फ एक राज्य का जी। 4 साल पहले आंकड़ा था एनसीआरबी का, वही आपके सामने रख रहा हूँ, 2020 में कृषि से जुड़े हुए कुल 10,677 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें से 5,590 के आसपास जो है किसान थे और 5,098 कृषि मजदूर थे। ये आंकड़ा एनसीआरबी का है, मैं इसलिए ये बात कह रहा था,
मैं इसलिए इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहा था। मैं किसी आंकड़ा को झुठला नहीं रहा। आंकड़ा जो होगा वो सत्य होगा, और आप बोल रहे हैं चैनल पे बोल रहे हैं तो सत्य होगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि संसाधनों की व्यवस्था अगर की जाती है तो आत्महत्या जैसी कोई बात नहीं आती है। संसाधनों की व्यवस्था का आप जिक्र कर रहे हैं, किसानों किसानों का आंदोलन हुआ जी, तो किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं? मेरी बात बताइए, किसान आंदोलन के दौरान अगर कोई बीमारी से भी मृत्यु हुई तो आपने उसको आंदोलन कैसे जोड़ दिया? आपने उसको लाठी क्या क्यों बैठे थे सर, चलाई क्यों बैठे थे, गोली चलाई तो क्यों बैठे थे सर, वो बीमारी पैदा कर दी सर, क्यों बैठे थे? प्रशासन ने तो पूरा सहयोग दिया जी सर, वो किस लिए बैठे थे आंदोलन में? पुलिस सर्दी में, गर्मी में, देखिए बरसात में क्यों बैठे थे? आपकी मृत्यु होती है, घर में भी इंसान की मृत्यु होती है, और इंसान अगर सरकार की वजह से मृत्यु हुआ हो, अगर सरकार का कोई रोल रहा हो तो बताइए आप। हाँ, लखीमपुर में भी कोई रोल नहीं था, और जो सर्दी में, बरसात में, धूप में, बारिश में बैठे रहे उसमें भी कोई जेल में है। बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। और ये दो ट्वीट आप देखिएगा, एक ट्वीट है बाबा रामदेव जी का और एक है श्री श्री रविशंकर जी का। तब ये कहा गया कि 30 रुपए में जब कालाधन वापिस आ जाएगा तो 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। कालाधन कहां है वो छोड़िए अब इस बात को, लेकिन श्री श्री रविशंकर जी बता रहे थे डॉलर जो है वो 40 रुपए का हो जाएगा। अब कितने का है वो भी छोड़िए, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, ये सब बातें तो आपको याद है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं संजय जी प्लीज। सर देखो, नारा को थोड़ा चेंज कर लो सर। पूरे विश्व में है हाहाकार, इस देश को बचा रखा है मोदी सरकार। अच्छा, 80 करोड़ लोगों के, 80 करोड़ के पूरे विश्व में है महंगाई का हाहाकार, इस देश को बचा रखा है मोदी सरकार। सही है, मैंने पेट्रोल डीजल वाला विज्ञापन इसलिए आपको दिखाया क्योंकि कहते हैं कि पेट्रोल डीजल से ही महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी, ये तय माना जाता है। आपकी सरकार ने एक्सरसाइज ड्यूटी 16 बार बढ़ाई, कितनी? 16 बार, और स्पेशल सेस लगाकर पैसे केंद्र सरकार के खजाने में गए, क्रेडिट आपके पास गया कि देखिए हमने कम कर दिए। लेकिन ये जो स्पेशल सेस आप लगाते हैं ये राज्यों के साथ कुछ अंश साझा होता है, इससे ज्यादा नहीं। 16 बार आपने एक्सरसाइज ड्यूटी बढ़ाई, मैं गलत बोल रहा साहब? चावला साहब, इस देश में 150 करोड़ की आबादी में आपके बात का मैं खंडन करना चाहता हूं, मात्र 14 करोड़ आदमी एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से इफेक्टेड होता है। 90% आदमी को मोदी सरकार ने महंगाई से दूर रखा हुआ है। ये विषय, अगर आज महंगाई होता गरीबों के पास, गरीब को भोजन नहीं मिल रहा होता तो इस देश में आंदोलन कब का हो गया होता? आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है, क्योंकि महंगाई है ही नहीं, क्योंकि महंगाई है ही नहीं, क्योंकि महंगाई है ही नहीं।